ने बोला था कि नहीं बोला। मीडिया का चरित्र है हाँ। और ये सवर्णों का चरित्र हो या कोई दलित का हो या पिछड़े का हो हाँ। सारा मीडिया एक सा है, ये सिर्फ तोड़ मरोड़ के और शब्दों को करके और दुष्प्रचार करके रोटी कमाते हैं हाँ। इनका सबका एक चरित्र है। जो रजत शर्मा का टीवी है इंडिया टीवी वो हमारे खिलाफ पूरा प्रचार कर रहा था। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर आज एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, त्यागी ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन है। और जो नोएडा की घटना आपने देख सुनी थी, जो बीजेपी के नेता हैं त्यागी जी, उन्होंने जिस तरीके से एक महिला के साथ व्यवहार किया और उन पर पुलिस की कार्रवाई हुई, बाद में पता चला कि उन्होंने अपनी जो सोसाइटी है वहाँ पर अवैध कब्जा करा हुआ था और यूपी सरकार ने वहाँ पर जो अवैध कब्जा था उसको छुड़वाया, उनके घर के जो अवैध निर्माण था उस पे बुलडोजर चढ़ा। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, त्यागी ब्राह्मण समाज से, सभी सवर्ण समाज से इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर वे ये मांग कर रहे हैं कि क्यों उन पर इतनी सख्त कार्रवाई हुई है। मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है और वे पूछ रहे थे कि त्यागी का जो गुनाह है वो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा उसे दिखाया जा रहा है, ऐसा ये सर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको क्यों लगता है जो कार्रवाई हुई है वो अति ज्यादा कार्रवाई कैसे है, क्यों लगता है आपको? सभी इस चैनल को देख रहे व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। पहली बात तो पत्रकार बंधु ने कहा कि उन्होंने अवैध कब्जा किया और उस पर बुलडोजर चला, तो शुरू से अगर शुरू किया जाए तो यह घटना 5 अगस्त की है। कोई भी त्यागी समाज के व्यक्ति श्रीकांत त्यागी जी द्वारा किए गए व्यवहार को या उस बर्ताव को सपोर्ट नहीं करता है। अगर उन्होंने किसी महिला से अभद्रता की है तो पूरा समाज इसका खंडन कर रहा है, पर प्रशासन द्वारा किया गया कार्य जो कि जैसा हुआ कि उनकी जो घरवाली हैं या उनकी जो वाइफ हैं उनको 31 घंटे एक थाने में बिठाया गया, पुरुष थाने में विदाउट वारंट, जो 6 लोग उनसे मिलने आए उनके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट लगा दी गई। हमारा सवाल प्रशासन से यह है, ठीक है श्रीकांत त्यागी जी के ऊपर जो भी कोई धारा बनती है या जो भी न्याय संगत कार्रवाई हो वह होनी चाहिए, लेकिन इस देश में आज से पहले कितनी बार कोई गली मोहल्ले के झगड़े में गाली गलौज हुई? मैं श्रीकांत जी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, तो कितनी बार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या गुंडा एक्ट या फिर मैं आपको बताता हूँ कब नाम हुआ, प्लीज आप बोलने दीजिए कैसे, मतलब और आगे आगे आज के बाद कितनी बार ऐसा होगा कि किसी गली मोहल्ले के विवाद में या किसी पुरुष ने महिला के ऊपर अभद्रता कर दे तो वो कितनी बार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उस पर लगेगा। दूसरी बात, आपने बात की अवैध कब्जे की, दरअसल क्या था, आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जाइए, हाउसिंग सोसाइटी में आप रहते हैं तो सब ने अपनी खिड़कियों के ऊपर एक्रेलिक के शीट या शेड लगाए होते हैं, उस शेड को तोड़कर दिखाकर अवैध कब्जा लगा दिया जाए। त्यागी समाज एक प्रकृति प्रेमी समाज है और उस प्रकृति प्रेमी समाज को अगर कहीं पर भी वृक्ष लगाने पर, उन्होंने PLC पे की उसकी, वृक्ष लगाने पर यह विवाद हुआ जिसका कि स्थायी सांसद महेश शर्मा जी ने मामले को अत्यधिक तूल दिया। शाम को जो 6 लड़के अपनी पुलिस वेरिफिकेशन कराकर अंदर गए थे, सोसाइटी ने RWA ने उनकी लाइट काट दी, उनका सवाल ले लें प्लीज हाँ, उनकी उनकी लाइट काट दी, उनका गैस का कनेक्शन काट दिया। यदि उनका कोई रिश्तेदार या परिचित या समाज का व्यक्ति भोजन मुहैया कराने जाता है तो आप उस पर भी गैंगस्टर एक्ट लगवा दें। माइक पकड़ना मेरा काम है और सवाल भी कर लेते हैं। मुझे ये बताइए, आपने बोला था कि आखिरी बार कब हुआ था इतनी सख्त कार्रवाई? मैं आपको बताता हूँ, इस देश में लगातार उत्तर प्रदेश में ही पत्रकारों पर इतनी सख्त कार्रवाई होती है। सिद्दीक कप्पन जो एक रेप केस कवर करने गए थे वो आज तक जेल में है। यूपी में हमेशा ही ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, आपका मामला कोई नया नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके समाज पर जब आँच आई तो आप इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब और समाजों पर बात आती है, जब और अन्याय की घटनाएं सामने आती हैं, कल एक मेघवाल बच्चे को मार दिया गया उसके स्कूल में, यूपी में बहुत सारी घटना आती हैं जहाँ आपकी सरकार, मतलब आप जिस सरकार के समर्थन में है उसके उसी के शासित राज्यों में बहुत सारी घटनाएं आती हैं, तब जो है सवर्ण समाज क्यों नहीं बोलता है? एक सवर्ण के ऊपर एक कार्रवाई हो गई तो आप आज इतना परेशान है, इतना बड़ा जो प्रदर्शन कर रहे हैं। त्यागी समाज एक प्रबुद्ध समाज है जी, और राजस्थान में जो मेघवाल बच्ची पर अत्याचार हुआ है या जो भी वो प्रकरण है, मैंने उसके बारे में सुना है, पढ़ा है हाँ। और हम उस सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं हाँ। जिसने भी किया है उसके खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई की हम मांग करते हैं। खैर वो तो कांग्रेस शासित राज्य है, वहाँ पे तो आप सख्त सख्त मांग करेंगे ही, है ना। जो यूपी में हो रहा है वहाँ पर सख्त मांग कब करेंगे? बिल्कुल करते हैं हम हर गलत कार्य का, सरकार में हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे समाजवादी सरकार हो, चाहे मायावती सरकार हो, जिस भी सरकार में किसी भी समाज पर अगर अत्याचार होता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा आप ये कह रहे थे कि एक्रेलिक की शीट लगी हुई है, यूपी सरकार ने हमें फोटोज दिखाई हैं, जो पुलिस यूपी पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जो फोटोज पोस्ट हुई हैं वहां पर बाकायदा उसमें पार्किंग में जो है वो दीवार बनाई है उन्होंने अपने घर से कनेक्ट करने के लिए, वो अवैध का पता नहीं दिखाई देता आपको उस सोसाइटी में? नहीं नहीं यूपी पुलिस झूठ बोल रही है। नहीं उस सोसाइटी में कम से कम 300 लोगों को नोटिस दिया गया है और 300 लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर हुई है तो सब पर होनी चाहिए। हमारी मांग यह है कि डॉक्टर उन पर हुई है तो सब पर होनी चाहिए, अगर उन पर नहीं होती तो नहीं, जितने नोटिस है सब पर होनी चाहिए जी, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी बार जब झुग्गियां हटाई गई थी तब सवर्ण समाज क्यों नहीं बोला? इधर से झुग्गियां हटाई गई थी यूपी में, बहुत सारी झुग्गियां। जगह आप जगह बताएं सर, आप पढ़िए न्यूज, न्यूज ना आप टीवी से मत देखा कीजिए, ठीक है आप बताइए ना, तो बता दें बता दूं। केंद्र की डीडीए, केंद्र जो है केंद्र सरकार है उसमें डीडीए, मेरी बात सुनिए, को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, कृपया कर मुद्दे से भटके ना। नहीं नहीं देखिए मैं बताता हूँ आपको, जब एक सशक्त आदमी जब कुछ गलत करता है ना वो ज्यादा बुरा है, समझ रहे हैं। श्रीकांत त्यागी जी सशक्त थे, पैसे से भी सशक्त थे, सामाजिक रूप से सशक्त थे, ठीक है। उन पर जब कार्रवाई हुई तो आप आज बात कर रहे हैं, उन्होंने एक महिला को सरेआम गाली दी है। हम श्रीकांत जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हाँ समर्थन नहीं कर रहे, नहीं बिल्कुल भी नहीं कर रहे। कोई भी व्यक्ति यहाँ जो बैठा है वो श्रीकांत त्यागी जी के बिहेवियर का समर्थन नहीं कर रहा। अच्छा तो कर क्या रहे हैं बताइए, क्या मांग क्या है? हम यह मांग करते हैं कि श्रीकांत त्यागी जी के लिए जो भी कार्रवाई हो वह न्याय संगत हो तो रही है, वो कार्रवाई कर रही है। गाली देने पर अगर रासुका न्याय संगत है तो प्लीज आप इसको कानून में अमेंडमेंट करा दीजिए। तो आप ये बताइए जब भी गाली दी जाएगी उस पर आप रासुका लगवा दीजिए, हम फिर आपकी बात को मान लेंगे, ठीक है। तो फिर सिद्दीक कप्पन पे और पत्रकारों पे यूपी समस्या के लिए आए हैं। प्लीज नहीं, आपकी समस्या हम सुन रहे हैं, अपना शब्द डालने की कोशिश मत कीजिए, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। इस देश में जहाँ पर भी कोई भी अत्याचार होता है, सवर्ण समाज पर होता है, दलित समाज पर होता है, सवर्ण समाज पे कब अत्याचार हुआ? सवर्ण समाज पे कब अत्याचार हुआ? किसी पर भी अगर होता है तो सबको उसका विरोध करना चाहिए, हम सब एक है, समाज में वैमनस्य नहीं फैलना चाहिए। और कृपया करके आप देखिए, अब जो है वो ना आप मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब केवल सवर्ण समाज के ऊपर बात आती है ना तभी आपका समाज बाहर आता है। मेरे ऊपर आप कैसे कह सकते हैं मैं मीठी मीठी बात करता हूँ? हो सकता है या मेरे बातचीत की मेरी शैली हो। हाँ जी, मेरे मित्र हर समाज से हैं, कृपया ऐसा आप जहर मत घोलिए, ऐसा मत कीजिए। आप श्रीकांत त्यागी जी को कवर करने आए हैं, प्लीज उस विषय पर रहिए, उस पर सवाल जवाब कीजिए। हाँ जी कीजिए। अब आप तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए श्रीकांत त्यागी जी पर, यथाउचित न्याय संगत कार्रवाई। क्या है न्याय संगत कार्रवाई? जो भी गाली देने पर उनके ऊपर धारा लगती है, यहाँ पर कुछ वकील मित्र भी आए हुए हैं, हम उनसे बात करा देते हैं आपकी। हाँ। वो उन पर धारा लगती है। अवैध कब्जे पर कौन सी धारा लगती है? कोई वकील मित्र? अवैध धारा को इनको बुला लो, वकील साहब को बुला लो। हाँ, बुला लो। आपने ये बातें सुनी, सर जो हैं वो बता रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी पर न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि ठीक बात है, न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए, हर उस व्यक्ति पर न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए जो गुंडागर्दी करता है, जो महिलाओं का अपमान करता है, जो अपने कॉलोनी में अवैध कब्जे करता है। हम हर बार कहते हैं कि इस जगह जगह पर लोगों ने जो है वो ज़मीन घेरी हुई है और झुग्गियाँ बनाई हुई है उनको अवैध बताते हैं, लेकिन इस देश की जितनी भी गेटेड सोसाइटी है ना, जहाँ पे करोड़ों रुपए के जो हैं वो मकान है, वहाँ पे सारी झुग्गियाँ मिला भी दी जाए ना, उससे ज़्यादा वैल्यू का इंक्रोचमेंट है। अगर एनक्रोचमेंट हटाने की बात आई तो सबसे पहले कोठियाँ गिरेंगी, सबसे पहले गेटेड सोसाइटी गिरेंगी। हाँ जी सर, ये बताइए कि आप समर्थन में आए हैं श्रीकांत त्यागी के? नहीं, हम श्रीकांत त्यागी के समर्थन में ना कभी थे और ना हैं ना आए हैं।
सर अभी हम सामाजिक न्याय के लिए आए हैं, हम महिलाओं के विरुद्ध हो रहे उत्पीड़न के विरुद्ध आए हैं, हम बच्चों पर हुए दमन के अभी आए हैं। आपके अभी जो साथी थे मैं उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि हम हैं, हम समर्थन में हैं श्रीकांत त्यागी के, लेकिन जब मैंने बोला कि कैमरे बता दीजिए तो वो मना कर गए। मैं उनका नाम नहीं लूंगा ना ही उनकी शक्ल दिखाऊंगा। आप नाम भी लो शक्ल भी दिखाओ, श्रीकांत त्यागी एक अपराधी बता है। दीजिए सर को, श्रीकांत त्यागी एक अपराधी है और उसने जो है, देखिए अब आपके ही साथी दूर चले गए जो कह रहे थे कि समर्थन में कौन है, ये हमारे समाज के जो है कोई नेता नहीं है। हाँ। ये जो है आपके ही भाई बंधु है। मैंने बोला भी नहीं है। ये आपके ही भाई बंधु है। मैंने बोला भी नहीं है। नहीं नहीं आपके ही भाई बंधु, आपने हमारे साथ सब लोग रहते हैं। नहीं देखिए रिपोर्टिंग कभी पॉजिटिव नहीं होती है। नरेश टिकैत ने हमेशा जो सुनिए, अरे मैं बता, गुड न्यूज इज नो न्यूज। सुनो मैं बताता हूँ, भारतीय किसान यूनियन के आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत की किसान यूनियन इसको समर्थन कर रही है। अच्छा। और वो लोग जो है वो बोलते हैं कि श्रीकांत ने कोई अपराध नहीं किया। हाँ। उसके साथ के बोलते हैं, वो ऐसे तो रोज होते हैं, लेकिन हम उसका समर्थन नहीं करते। आप मानते हैं श्रीकांत ने अपराध किया? बिल्कुल किया है। तो प्रदर्शन किस लिए है? प्रदर्शन इसलिए है कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी को 18 घंटे पुलिस थाने में, जो पुरुष थाना था वहां किस लिए बैठाया? निर्दोष बच्चों पे गैंगस्टर एक्ट क्यों लगा चुके, उसके बच्चों खाना लेके गए थे। हम जो है देखिए ये गलत बात है, मैं कैमरा पे कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। परिवार कोई नहीं, जो बच्चे उसके इसलिए गए, उसके बच्चे भूखे बैठे घर में, उसके बच्चों की माँ को उठा लिया श्रीकांत त्यागी पत्नी को, और जब उसके लिए खाना लेके गए तो उन लोगों गैंगस्टर एक्ट में बंद कर दिया। और तो और उस श्रीकांत की, इस देश में जितनी भी जेलें हैं ना उसमें 70% लोग जो हैं वो SC ST OBC समाज से हैं। आज एक जो है BJP के कनेक्टेड नेता और स्थानीय नेता और एक सवर्ण पर कार्रवाई हुई तो पूरा सवर्ण समाज जो है वो रोने लगा। लेकिन जब इतने सारे SC ST समाज के लोगों पे बात होती है तब सवर्ण समाज कुछ नहीं कहता, जबकि दमनकारी सवर्ण समाज है। आपको अपना नैरेटिव चलाना है, आप मानते हैं कि नहीं जाती पहले आप मुझे कहने दें। आप यदि 5 मिनट बोलते हैं मुझे भी 2 मिनट दो। आप आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ना विचार को समझते हैं ना उनकी बात को भावना को समझते हैं। नहीं समझते? एक मिनट, नहीं आप हर दबे कुचले के विरुद्ध वो बोले थे। कोई सवर्ण कब बोले? एक मिनट, आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर बोले थे कब? वो जन्म से बोले थे, वो जब पढ़ने गए तब बोले थे, वो बाहर से आने के बाद बोले थे, वो डिलीट लेने के बाद बोले थे, भारत के शिक्षा जो कानून मंत्री बनने के बाद बोले थे। हाँ। और वो जो थे एक युग पुरुष थे, लेकिन उसकी आड़ में उनकी पत्नी ब्राह्मण थी। क्यों उन्होंने उस ब्राह्मण सविता अंबेडकर से शादी की? आप कहोगे उससे ना करते? भैया उनकी चॉइस है, पर्सनल चॉइस हो, पर्सनल चॉइस है। आप दबे कुचला कोई भी हो, डॉक्टर सविता अंबेडकर की उनसे पर्सनल लगाव था, उन्होंने उनकी सेवा की, अंतिम समय तक उनके साथ रही। आप किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण में पैदा हुआ। हाँ। या वो दलित में पैदा हुआ। हाँ। या वो किसी और समाज में पैदा हुआ, आप उसको जन्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हो। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मा को दुख पहुंचाने का काम। ठीक है, आपके 2 मिनट पूरे हो गए। मेरे सवाल बताओ, कब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कब दलितों के खिलाफ बात करी? मुझे कोट करके बताइए और सन बता दीजिए। आप गलत कह रहे हो, उन्होंने कोट करके और सन बता दीजिए। उन्होंने कभी नहीं की। किसे कह रहे हो आप उन्होंने की? अभी कैमरा पे अभी आपने 2 मिनट की बात में ये कहा सुना था कि उन्होंने हमेशा दलितों और पिछड़ों के खिलाफ कही, दलितों और पिछड़ों के समर्थन में की है। आप उल्टा बात घुमा रहे हो। अभी आपने बोला आप उनके खिलाफ कर रहे हो, आप उनकी भावना खिलाफ बात कर रहे हो। अब देखिए आप सुनो, वीडियो पे है, अरे आप कमेंट करके बताइए सर ने बोला था कि नहीं बोला। मीडिया का चरित्र है। हाँ। और ये सवर्णों का चरित्र हो या कोई दलित का हो या पिछड़े का हो। हाँ। सारा मीडिया एक सा है, ये सिर्फ तोड़ मरोड़ के और शब्दों को करके और दुष्प्रचार करके रोटी कमाते हैं। हाँ। इनका सबका एक चरित्र है। जो रजत शर्मा का TV है India TV, वो हमारे खिलाफ पूरा प्रचार कर रहा था। वो ब्राह्मण सवर्ण समाज के खिलाफ है TV मीडिया। अरे भैया सवर्ण अवर्ण तो आप बोलते हो, हम पीड़ित और अपीड़ित की बात करते हैं। अच्छा, कौन पीड़ित है? अरे पीड़ित वो है श्रीकांत त्यागी पत्नी पीड़ित है, जिसके बच्चे पीड़ित है। हर और है? और कौन पीड़ित? भैया सुनो, आप अपनी इस देश में करोड़ों लोग पीड़ित हैं। प्रोग्राम के बाद बाइट ले लेना। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर मेरा क्या मतलब? उसी के बाद हमारे जो सीनियर हैं उनसे बाइट ले। हमारी प्रेस की कमेटी है, आप आइएगा, साक्षात्कार ठीक है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।